हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर पीपीएम सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो टॉपिक हमारे पास आज है वो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि स्कोप क्या होता है मैनेजमेंट का, यानी कि जो मैनेजमेंट है, ओके, तो मैनेजमेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक उसका स्कोप है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है, अगर इसको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है वो भी आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज ब्रॉड। देखिए, जो स्कोप है मैनेजमेंट का वो काफ़ी ब्रॉड है एंड इसमें कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ओके। कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी ब्रॉड एंड एनकम्पासेस वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की एरियाज इंक्लूड, तो देखिए इसमें हम मैनेजमेंट का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ करते हैं, स्कोप कहाँ है इसका, ठीक, इसके बारे में बात कर रहे हैं। HRM, देखिए इसका जो स्कोप है मैनेजमेंट का वो है HRM में, ओके। और भी कई सारे हैं, पहले हम HRM की बात करते हैं। HRM मींस आप जानते होंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ राइट पीपल विद द राइट स्किल्स। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट को हम ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसमें हम रिक्रूट करते हैं। हम अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनी है, उसके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, ओके। तो राइट पीपल विद द राइट स्किल्स, जो भी जिसके पास स्किल्स हैं उसको कौन सा काम दिया जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड मैनेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ओके। तो ये HRM में काफ़ी अच्छे से हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट को, ओके। मैनेजमेंट हेल्प करता है HRM में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में, ओके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ, ओके, तो उसका प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टाफिंग करना, यानी कि किन किन लोगों की ज़रूरत होती है, क्या डायरेक्शन दें, क्या कंट्रोल करें और मॉनिटरिंग कैसे करनी है, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशनल के, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत होता है, ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत होता है ये सब। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहाँ जो मतलब फाइनेंस की एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट की मदद से हम इसको पूरा मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज किया जा सके किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए ऑपरेशन मैनेजमेंट ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, ठीक, तो उस पर फोकस करना, उनका जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका ऑपरेशन कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हेल्प करती हैं मैनेज करने में, ठीक। तो मैनेजमेंट यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, देखिए प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको प्रमोट किया जाता है और उनको सेल किया जाता है, और जो मार्केट रिसर्च होती है उसको किस तरीके से करना है, एडवर्टाइजमेंट किसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट, हमें हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए, इन सारे टास्क को अचीव करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना ब्रॉड जो इसका स्कोप है मैनेजमेंट का, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, तो जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है, यानी कि फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट, यानी कि
जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो जो भी डिसीजंस लेता है, जो भी इनिशिएटिव्स लेता है, जो भी कंपनी के बड़े गोल्स होते हैं, मेजर गोल्स होते हैं, उनको कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी हद तक मदद करता है, पूरा मदद करता है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो हमें हेल्प करता है जो भी इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, उनको कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है मेजर गोल्स को, और जो भी इनिशिएटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट जो भी इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT है, ठीक, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस इज ऑन मैनेजिंग टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रिसोर्सेस हैं उनको, उन पर फोकस करना, उनको मैनेज करना, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, डेटा हो या फिर नेटवर्क्स हो। तो ये जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि IT से जुड़ा हुआ भी एक मैनेजमेंट जो है, ठीक है, मैनेज उसको मैनेज करना, IT को मैनेज करना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करना, उस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, डेटा हो सकता है और नेटवर्क्स हो सकता है। ओके, तो ये छः जो हमने यहाँ पर पॉइंट अभी पढ़े हैं ये है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। वैसे मैनेजमेंट और भी फील्ड्स में और भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बट ये जो इम्पॉर्टेंट छः स्कोप हमने यहाँ पे पढ़े कि छः फील्ड जो ऐसी हैं जहाँ पर मैनेजमेंट को हम यूज करते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें समझ रहे हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट को। ओके, मैनेजमेंट का स्कोप कितना बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक बार रीकैप इसको मतलब इस तरीके से ये दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी। तो BBA फर्स्ट सेमेस्टर PPM प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, हमने स्कोप पढ़ा मैनेजमेंट का। तो स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी ब्रॉड, स्कोप जो है वो मैनेजमेंट का काफ़ी ब्रॉड है और इसमें कई सारी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं। अब इसका जो एरियाज है हमने भी पढ़े हैं, ठीक है, HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि रिक्रूटिंग ट्रेनिंग मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ राइट पीपल विद द राइट स्किल्स हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप जानते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना और जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको मॉनिटर करना, ठीक है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करें, स्टाफिंग क्या क्या लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है ठीक मॉनिटर करने के लिए, डायरेक्टिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, ये सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके बाद आ जाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने अभी पढ़ा, ओके, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर फोकस करना। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने पढ़ा, प्रमोट करना, सेल करना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, जिसमें मार्केट रिसर्च और एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है। फिर हमने बात की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जिसमें फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना जो भी इनिशिएटिव्स और मेजर गोल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट जो भी मेजर गोल्स और इनिशिएटिव्स लेता है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको फॉर्मुलेट करना। ओके, फिर आ जाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डेटा हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या नेटवर्क्स हो, तो उनको मैनेज करना, उनकी उन पर फोकस करना कि उनको किस तरीके से बेस्ट मैनेज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी, छः इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के जो फील्ड हैं, स्कोप हैं, जहाँ जहाँ मैनेजमेंट यूज हो सकता है, वो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। माई नेम इज़ राजन एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई MBA इन 2018 फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, सो आज का ये वीडियो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट से, ठीक है, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आई होप पसंद आया होगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू।